पापा आपको पता है सबसे ज्यादा आपको माँ ने मिस किया। जब भी आपका नाम लेती थी उनके आंखों में से आंसू बहना शुरू हो जाते थे। मेरा अहम दिख रहा आएगा, मेरा अहम दिख रहा आएगा। फिर मुझे उन्हें एक जोक सुनाना पड़ता था, तब जाके हंसती थी। पता है उनने खाना जी के सामने बहुत पे किया, एक बार तो उनने झगड़ा भी कर लिया, लेकिन आज उनकी प्रेयर सुन ली खाना जी ने। पापा अब तो आप मुझे मम्मी और बा को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे ना? बच्ची हो ना तो बच्ची बन के रहो। पढ़ो कितना भाषण नहीं देना, समझे? बहन जी अब मेरी गोद बोलो, जाओ अपनी दीदियों को उनका कमरा दिखा दो। चली दी, सॉरी बिग दी। डोंट टच मी। ना गोपी, तुम बार बार क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? बोला ना दूर रहो। बड़ों से किस तरह से बात करनी चाहिए ये तो तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं, बच्चों से किस तरह से बर्ताव करना चाहिए ये भी नहीं आता तुम्हें? नहीं आता। और कुछ कहना है? एंड एनीवे मैं इसके साथ कितना भी बुरा बिहेव कर लूं, अब है ना इसकी मम्मी इसे संभालने के लिए। प्लीज देखो, तुम हमारे पास आने की या हमसे दोस्ती करने की कोशिश मत करो प्लीज। क्या माँ मुझसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं मेरी बेटा, मुझसे कोई भी गलती नहीं। तो फिर पापा मियादी और विद्यादी गुस्सा क्यों हो रहे हैं, बात क्यों नहीं कर रहे? राशि तुम भी कितनी बुद्धू, वो लोग थक गए और तुमने आते ही अपनी बकबक शुरू कर दी। उन्हें कुछ देर आराम करने जाओ अपने कमरे में और जाकर होमवर्क कर। ओके काका। हैं परी को फोन कर देता। गोल पापड़ी तैयार है ना एतल वो? आते ही पहले अहम दिख रहा वो ही मांगेगा। हाँ बा सब कुछ उसकी पसंद का कब से तैयार रखा है। परिधि क्या बात है दिख रहा, कहाँ खोई हुई हो? मदर इन लॉ जिक्स का फोन था, वो कह रहे थे कि एम जी जो यहाँ नहीं आना चाहते वो वही काकी जी के साथ चौल में रहेंगे। ऐसा क्यों कर रहा है ये ठाकुर जी? ये अहम क्या जिद पकड़ के बैठा है? थैंक यू सो वेरी मच एम्बर, आपने अपनी बहन को रक्षाबंधन गिफ्ट तो एडवांस में ही दे दी। दादी जमाना लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर है तोलू मोलू होता है। बाबा बाबा तोलू मोलू प्लीज स्टॉप इट। व्हाट प्लीज मॉम? एग्जैक्टली, और अगर कुआ घोड़े के पास नहीं आ रहा तो क्या हुआ? घोड़े को कुएं के पास ले चलते हैं। अरे बड़े पापा यहाँ नहीं आना चाहते लेकिन हम लोग तो वहां जा सकते हैं। मदर इन लॉ बात तो ये दोनों ने सही कही, ऐसे आइडिया बुरा नहीं है, हम तो वहां जा ही सकते हैं ना। इतने साल हो गए मैंने मीरा और विद्या को नहीं देखा, कितनी बड़ी हो गई होंगी दोनों। यस दादी लेट्स गो। अच्छा ठीक है हम सब वहां चले। यस। एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या भाई? इतने सालों बाद बहनों से मिलने जा रहे हैं, कोई ना कोई सरप्राइज गिफ्ट तो लेना पड़ेगा ना। जल्दी चोर लेके आओ।
हे भगवान, ये स्टूपिड टोलू मोलू ने तो मेरी सारी खुशियों पर पानी फेर दिया। बहन भाई, आप चाहे तो फ्रेश हो सकते हैं। मीरा विद्या, आओ, मैं आप लोगों को भी आपका कमरा दिखा देता हूँ। हेलो, हाँ क्या? ओ, ओके ओके, ठीक है, मैं अभी एम भाई को बता देता हूँ। एम भाई, बाप, माँ, काका, सब लोग यहाँ मीरा विद्या को मिलने के लिए पहुँच गए। भाई वो बा ऊपर सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती, इसलिए अगर आप नीचे चलकर उन्हें मिल लेते प्लीज। अहम दिख रहा, बा आई है पूरे परिवार के साथ, पास से मिलना ही होगा तुम्हें। मीरा विद्या, चलो नीचे। जी। बहन बेटा, बहुत नुकसान करवाया। अहम, काफी से नहीं मिलेगा मेरा बच्चा। तुम्हारी बिंगली वाह, तो ये बात स्वीकार कर ली थी कि हम लोग कभी भी विद्या से, मीरा से, हेम से मिल नहीं पाएंगे, पर आपने देखा, ठाकुर जी ने हमारी सुनी। या विद्या, मुझे पहचाना कि नहीं? परी दी, राइट? परी दीदी नहीं, अब काकी बोलो। हाँ तो तुम मुझे मासी भी बोल सकती। कैसी हैं परी काकी? अब तक तो ठीक नहीं थी, लेकिन अब तुम दोनों को देख लिया ना, सब ठीक हूँ। पिछले 10 सालों में ऐसा कोई दिन नहीं गया जब मैंने तुम दोनों को मिस ना किया हो। विक्रम, वो कौन है? माँ, ये मानसी जी। नमस्ते। अहम दिख रहा, हमारा खुद का घर होने के बावजूद तुम यहाँ रहना चाहते हो? अहम, तुम अगर घर आ जाते तो
विद्या और मीरा अपना घर देख रहे थे और वो घर जो पिछले 10 सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, इसका इंतजार खत्म हो जाता बेटा। आ यहां गर्मी बहुत है और आपको पता है कि ज्यादा गर्मी में रहने से आपकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाए। वैसे मैं बहुत थक चुका हूं, मोदी भवन चले, अहम भाई वहां नहीं आए। मैं गोपी भाभी को साथ लेकर आता हूं। गोपी भाभी को लेकर आता हूं मतलब गोपी यहां सबके साथ? अहम भाई नहीं चाहते कि भाभी यहां रुके। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।